तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं मेरे भाई। तीसरा T20 मुकाबला जो 23 तारीख को खेला जाएगा, उस प्लेइंग 11 में मेरे भाई कमाल के बदलाव होने वाले हैं। नया कप्तान होगा, नई तरीके का सब कुछ होगा, कई सारे बदलाव होने वाले हैं। तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया का तख्ता पलट होने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नया कप्तान मिलेगा, वो क्या नया कप्तान कौन होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया जाएगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले पिछले मैच की प्लेइंग 11 और फिर नए मैच में क्या-क्या बदलाव की गुंजाइश है। बारे भाई तीन या चार बदलाव की खबर आ रही है, तमाम जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले पिछले मुकाबले में जो था वो ऋतुराज गायकवाड़ थे, जायसवाल थे, तिलक वर्मा थे, संजू सैमसन थे, रिंकू सिंह थे, सुंदर थे, शिवम दुबे थे, बुमराह थे, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षदीप सिंह और बिश्नोई, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। लेकिन अगले मुकाबले में मेरे भाई बहुत बड़े बड़े बदलाव के गुंजाइश है और बड़े बड़े बदलाव की खबर आ रही है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर खेलने वाले हैं, बिल्कुल खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल यहां पर खेलने वाले हैं। ये ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया की वही रहेगी जो पिछले मुकाबले में थी। ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ओपनिंग जोड़ी उसी तरीके से खेलने वाली है। इन दोनों पर बड़ी उम्मीद है, दोनों को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, फ्यूचर के तौर पर इन दोनों को लेकर बातें चली, तो इन दोनों पर हर किसी की उम्मीद है। इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों का प्रदर्शन बहुत अहम रहने वाला है, और दोनों ने अच्छा खेला भी है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं खेला, दोनों ने अच्छा खेला भी है, कमाल की परफॉर्मेंस दोनों ने करके दिखाई है। अब बात करते हैं नंबर तीन के लिए। नंबर तीन पर यहां पर आपको तिलक ही खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर तीन पर ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है, नंबर तीन पर आपको तिलक ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे भाई नंबर चार पर बदलाव होने वाला है, और चार के लिए संजू सैमसन को टीम इंडिया बाहर करने वाली है। संजू सैमसन को बाहर करने वाली है, और संजू सैमसन के जगह किसको खिलाएगी? जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है, यह मैं आप लोगों को बता देता हूं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है संजू सैमसन की जगह। तो यहां पर आप जितेश शर्मा को देख सकते हैं खेलते हुए नंबर चार पर। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका मैं कह सकता हूं संजू सैमसन के लिहाज से, क्योंकि एशिया कप का स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वहां पर संजू सैमसन को झटका दिया गया है, और अब तीसरे T20 में भी संजू सैमसन को के तौर पर साफ कर दिया गया है टीम इंडिया की तरफ से कि भाई संजू की जरूरत अब टीम इंडिया को नहीं है। तीसरे में संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है, रेस्ट दिया जा सकता है संजू सैमसन को, और जाहिर तौर पर यह टीम इंडिया के लिहाज से कह सकते हैं, और संजू सैमसन के लिहाज से कह सकते हैं कि बड़ा झटका है, किसी बड़े झटके से कम नहीं है संजू सैमसन को तीसरे T20 में बाहर करना। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन को बाहर करके जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता है, यह बड़ी खबर है। उसके बाद में रिंकू सिंह आपको नंबर पांच पर रहेंगे, रिंकू सिंह रहने वाले हैं। कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है टीम इंडिया के लिए, फ्यूचर के तौर पर एक कह सकते हैं कि एक बेहतर फिनिशर के तौर पर साबित हो रहे हैं, और ऐसा एक फिनिशर टीम इंडिया को चाहिए भी। तो जाहिर तौर पर रिंकू सिंह के तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी टीम इंडिया को के सामने है, तो रिंकू सिंह यहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद में खबर है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह शाहबाज को मौका मिल सकता है, यह एक बदलाव हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है अभी तक, अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह शाहबाज को मौका दिया जा सकता है, यह बड़ी अपडेट है। उसके बाद में शिवम दुबे यहां पर रहने वाले हैं, शिवम दुबे को लेकर कोई टेंशन नहीं है। बुमराह को मौका नहीं दिया जाए, बुमराह आराम कर सकते हैं, बुमराह आराम कर सकते हैं। आवेश खान आपको बुमराह की जगह, आवेश खान आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि भाई बुमराह नहीं होंगे तो कप्तान कौन होगा बुमराह, क्योंकि ये खबर है कि बुमराह आराम कर सकते हैं और संजू सैमसन आराम कर सकते हैं, दोनों बाहर हो सकते हैं। संजू सैमसन की जगह तो जितेश शर्मा जाएंगे, तो भैया बुमराह की जगह आवेश खान आएंगे, लेकिन कप्तानी कौन करेगा, ये आप लोगों के जहन में सवाल होगा ना। तो मेरे भाई कप्तान भी नया बन सकता है, वो कप्तान होगा ऋतुराज गायकवाड़। खबर है कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया कप्तान बना सकती है अगर बुमराह आराम करते हैं तो। ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खबर टीम इंडिया के लिहाज से आ रही है कि जसप्रीत बुमराह अगर आराम करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी दी जा सकती है। इससे साफ संकेत है कि ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर टीम इंडिया भरोसा जता रही है, भविष्य के तौर पर कप्तान के तौर पर भी भविष्य मतलब भरोसा जता रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पर।
उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णा शायद नहीं रहेंगे, उनकी जगह मुकेश कुमार को शायद मौका मिल सकता है, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह वो भी आराम कर सकते हैं, तो ये खबर है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को मैं चाहता हूं कि उनको मौका मिले। उसके बाद में हर्षदीप सिंह यहां पर रहने वाले हैं और आपके बिश्नोई भी यहां पर रहने वाले हैं, तो ये प्लेइंग 11 वही रहने वाले। लेकिन बदलाव क्या होंगे, बदलाव होंगे संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन को आप बैठा हुआ बाहर बैठा हुआ देख सकते हैं, आराम उनको दिया जा सकता है। और उसके बाद में आपके सुंदर की जगह आप शाहबाज को देख सकते हैं, ये दूसरा बदलाव है। और बुमराह की जगह आप देख सकते हैं आवेश खान को। ये तीन बदलाव जो हैं वो नजर आ सकते हैं आपको तीसरे T20 मुकाबले में। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है कैप्टेंसी को लेकर। बुमराह की जगह कप्तान गायकवाड़ को बनाया जा सकता है। ये जाहिर तौर पर फ्यूचर के तौर पर इससे कई संकेत है कि गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी पर हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी कप्तानी का दाव आजमाए। अगर गायकवाड़ को टीम इंडिया कप्तान बनाते और गायकवाड़ ने बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया तो यकीन मानिएगा चेन्नई सुपर किंग्स उनको उनके ऊपर दाव लगा सकते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को भी कप्तान की जरूरत है और भविष्य के तौर पर एक फ्यूचर कैप्टनसी के तौर पर भी टीम इंडिया गायकवाड़ को आजमा सकते हैं। अगर गायकवाड़ ने अच्छी कप्तानी करके दिखाई तो भविष्य के तौर पर गायकवाड़ पर भरोसा जताया जा सकता है। तो आपका टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना और क्या आपको लगता है कि संजू की जगह जितेश शर्मा को मौका देना ठीक है और क्या कप्तानी के तौर पर गायकवाड़ को सही है गायकवाड़ पर भरोसा देना, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट लगातार मेरे भाई मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।